के साथ लगे हुए लोग वो इस प्रकार के वातावरण को निर्मित करते हैं कि उनके कार्य किए गए कार्य उजर हो, किंतु हमारा कार्यकर्ता उनकी परवाह नहीं करता है। इन सारी बातों को ध्यान में देते हुए वो निरंतर क्षेत्र के विकास के रूप में काम करता है। हम सारी निकायों में जब अध्यक्ष या पार्षद के रूप में हमारे कार्यकर्ता निर्वाचित होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जब नगरी क्षेत्र में काम करते हैं तो उसके साथ में विरोध के स्वर चालू हो जाते हैं। वे लोग जो विकास पसंद नहीं करते वे शिकू पे छोड़कर हमारे वोट को मतदान करने का प्रयास करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में वो इस प्रकार की बातें जनवित करके फेरा करके हमारे पदाधिकारियों के बीच में वो इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न कर देते हैं कि हमारे काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मन सारे निरुत्साहित हो जाता है, किंतु वो फिर भी काम करता है। मित्रों, इसी तरह से इस देश के अंदर पंडित लाल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, हिंदुस्तान की जनता ने देखा, हिंदुस्तान के आशाओं की किरण आज भी पंडित लाल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के जनमानस में एक छवि बनाकर बैठे हैं। मित्रों, हिंदुस्तान उस दिन आनंदित था, हिंदुस्तान उस दिन गौरवान्वित था जब लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री पंडित लाल बिहारी वाजपेयी जी ने जब भारतीय जनता पार्टी ने देश के तिरंगे के परचम को फहराकर स्वाधीनता का जब उन्होंने संदेश देश को दिया, हिंदुस्तान के नागरिक को मन में मयूर नाच गया। और एक बार नहीं, इस देश में तीन बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर के हिंदुस्तान की जनता को आत्मनिर्भर, आत्मस्वावलंबन और देश का नाम दुनिया में ऊंचा कर देने का काम अगर किसी ने किया है तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तीन बार प्रधानमंत्री की पद शपथ लेने के बाद उनके श्वेत कमल में आज दिन तक कोई दाग नहीं है। वे कहते थे, मैं देश का प्रधानमंत्री तीन बार रहने के बाद मैं हिंदुस्तान की अदालत में खड़ा हूं, जनता की अदालत के बीच में खड़ा हूं, अगर कोई मेरे दावे में कालिक का कोई दाग लगा देगा मैं उसे राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस प्रकार की बातें पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रेरणा के रूप में हिंदुस्तान की सड़कों पर कहा करते थे, लाल किले की प्राचीर से बोलते थे। मित्रों, वो क्या हो जाता है कि जब देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इतनी निर्भरता के साथ में कलंकित होना यह बहुत बड़ी बात है, कोई कलंक का दाग नहीं लगा सकता। इस प्रकार की बात लाल किले की प्राचीर से बोलता हो। और मित्रों, जब इस देश में कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है, शपथ लेने के साथ ही भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हो जाता है। भाई राजेंद्र ने महाभारत की बोधी की तरह, गीता के श्लोकों की तरह इतने सारे कांड गिराए, ये सारे कांड क्या हमने हमारी मर्जी से बनाए? मित्रों, हिंदुस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, हिंदुस्तान के प्रिंट मीडिया ने, समाचार पत्रों ने ये सारे के सारे कांड उजागर किए हैं। उसके बाद इस देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह परसों रात को कैबिनेट बुलाता है, कैबिनेट के सारे मिनिस्टरों को बुलाता है, बुलाकर उनके पीठ को दबाता है, जो कालिक उन मिनिस्टरों पर लगी है उनका आत्मबल बढ़ाने के लिए, उनको महिमा मंडित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदार प्रधानमंत्री जिसमें कोई जान नहीं है। मैं एक बात आपको इंगित करना चाहता हूं, क्या कहने को बाद उस देश के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने आपने देखा होगा, हमको चलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे ये चाबी वाला गुड्डा है। हमको कई बार ऐसा लगता है कि हमारे परिवार में छोटे से बच्चे को बनाने के लिए जब वो जिद पकड़ लेता है तो रिमोट पर आधारित गुड्डा लाते हैं, जब रिमोट हम चलाते हैं गुड्डा चलता है। रोबोट आपने देखा होगा जिस प्रकार रोबोट चलता है, रोबोट को आपको चलते हुए देखा होगा कि रोबोट के रिमोट दबाने पर जिस तरह से रोबोट चलता है, हम दबाते हुए क्लिक 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 करके आवाज आती है। इस तरीके से सिक्योरिटी गार्डों के बीच में भयभीत चेहरा, चेहरे की मुस्कान गायब, चार लड़खड़ा दी हुई दबा हुआ चेहरा, डरा हुआ सामाज देश का प्रधानमंत्री कैसे हिंदुस्तान को हरा कर सकता है जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सहमत देश की राजनीति में है, तो निश्चित तौर पर वह सहमा राष्ट्रपति इस देश का कभी भला नहीं कर सकता। रिमोट पर आधारित चलने वाला
श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन है, उनके आधार पर चलने वाला वो यूपीए की प्रधानमंत्री श्रीमती सोनिया गांधी। भाई राजेश, राजेंद्र ने भी कहा है जब नारा लगाते हैं सोनिया जिसकी मम्मी है वहां सरकार भी कभी है, मेरा किया जाए सोनिया तो विदेशी है, भैया अपना देशी है, औलाद है करेंसी है। स्विस बैंकों में ये बेवेल जो शादियां हैं, बेवेल जो संबंध है, उससे उत्पन्न होने वाली जो औलाद है वो करेंसी के अलावा पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं करेगी। और उन्हें भय है कि यह जो भ्रष्टाचार के द्वारा किया गया हमें ये जो काला धन है अगर देश के बैंकों में रखा तो काला हो जाएगा। स्विस बैंकों में, स्विस की बैंकों में 4,00,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के राजनेताओं के भ्रष्टाचार का पड़ा है। श्री बाबा रामदेव अन्ना हजारे जब उसी रुपए से लाकर के भारत के कल्याण में लगाने की बात करते हैं तो आज ही रात को बाबा रामदेव को परमिशन देने के बाद रामलीला के मैदान से उन्हें उठाकर भगोड़ों की तरह पकड़ने का प्रयास किया जाता है। यह देश है, इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या करना कांग्रेस का नित्य है, नियम है। अभी बता रहे थे इनका चमकिया ढंगी और अजय जैसा कार्यकर्ता कुछ ही समय के पश्चात जब छोटे मोटे कार्यक्रमों में शिरकत करता है तो लगता है कि 10 उसके साथ जमात लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे मंडल स्तर का हो, जिला स्तर का हो, उसमें चीजें कभी नहीं आती कि मैं अपना आप में महिमा मंडित होकर के समाज में स्थापित हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समाज के हित में काम करते हुए वो समाज के हित के लाभ के लिए काम करता है और अंत में हिमगिरी की तरह गल करके, वर्ष की तरह गल करके इस मिट्टी में मिल जाता है। मित्रों, हमें प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें कोई कहेगा श्रेष्ठ इसकी भी आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता यह है कि हम लोकमान्य बनना चाहते हैं, हम राजमान्य बनना नहीं चाहते, हम सत्ता के पीछे चलने वाले लोग नहीं है, जनता हमें मान्य करे, हम लोकमान्य है, हम राजमान्य बनना नहीं चाहते। इसलिए सरकार और सियासत में काम करते हैं, हम जनता की सेवा के साथ जाए काम करते हैं। हिंदुस्तान की जनता के साथ सबने देखा है कि एफडीआई नाम की जिस मूल बिंदु पर बात करने का प्रयास किया जा रहा है, एफडीआई हमें इसके मूल भावना को समझना होगा। एफडीआई एक विदेशी कंपनी है, भारत के 30 करोड़ खुदरा व्यापार में लगे हुए व्यापारी को विभिन्न समाज जाति वर्ग में उन 30 करोड़ व्यापारियों के परिवारों पर गुजारा खर्च करने के लिए और भ्रष्टाचार करके एफडीआई कंपनी को भारत में व्यापार करना, उसका निवेश करने का 51% का इन्होंने लाइसेंस दिया है। शायद मनमोहन सिंह क्या भूल गए, उन्हें इतिहास बता रही है किसी प्रकार की ईस्ट इंडिया कंपनी देश में आई थी। आपको हमको भी समझ रहा है आखिर हमारा विरोध एफडीआई से क्यों है, विदेशी होने के नाते हमारा विरोध क्यों है। विदेशी मानसिकता इस देश की सांस्कृतिक विरासत को समाप्त करना चाहती है। यह विदेशी मानसिकता इस देश के हमारे जो फुटकर व्यापार है उस फुटकर व्यापार पर अपना शिकंजा कस के इससे जो प्राप्त होने वाला जो धन है वो विदेशों में ले जाना चाहते हैं। देश कंगाल होगा, देश का जो पैसा है वो विदेशों में जाएगा और हमारे यहाँ का जो खुदरा व्यापारी है वह एक दिन हमारी करने पर मजदूर होगा, मजदूरी करने पर मजदूर होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहता हूँ कि अगर 51 दुकानें विदेशी होगी और 50 दुकानें किसी गांव में देशी होगी जिसके साथ सरकार का सहयोग होगा, सरकार के हर छंकुल से वो मुक्त होगी और वे सारे अपराध, वे सारे कानून और 50 लोगों पे लागू होके आपके परिवार में वर्षों से हमारे देश की यह परंपरा रही है। अगर किसी के यहाँ वैवाहिक के शादी या मांगलिक कार्यक्रम हो, किसी के अशुभ कार्यक्रम हो, पैसे गरीब है, पैसे की उसको चिंता नहीं है, समाज के वर्ग में से एक व्यक्ति उठकर कहता है मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं बात करता हूँ। कितने व्यापारी हमारे यहाँ बड़े, शायद व्यापारी हो सकते हैं सत्यनारायण, हमारे यहाँ एमके परिवार, सतीश मारो, इसके अलावा कोई बड़ी दुकानें है क्या?
बाकी सभी दुकानें खुलकर व्यवसायियों की है, किंतु दलों व्यापारियों से हमारे संबंध, हमारे शुभ चिंतकों के संबंध होते हैं। वो शुभ चिंतक जब बजाता है उस व्यापारी से कहता है, यार फलाने की माता जी का देहांत हो चुका है, उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, पैसे के उसके पास कमी है, फसल उसकी आने वाली है, अभी थोड़ा समय लगेगा, उसके बेटे की तनख्वाह आने वाली है, यार मेरा ब्याह से लगभग 25,000 रुपए का उसका सामान मिलेगा, इतना बनेगा मेरी गारंटी है, वो एक एक पैसा आपका जमा करेगा। वो व्यापारी सोचता है, इसके मेरे बाप से संबंध है, इसके मेरे काका से संबंध है, मैं इसको बचपन से देख रहा हूँ, आज बुरी अवस्था में हूँ, ठीक है। अब भाई को बता देगा मंजूर भाई को, मंजूर भाई को जाकर के बोल देना कि सारा सामान लेकर लिस्ट दे दे, उसके कार्य को संपन्न करे। ये हमारे भारत की संस्कृति है कि विदेशी कंपनी आने के बाद मंजूर भाई, विकास या राजकुमार ये व्यवस्था कर पाएंगे, भाविदास कर पाएंगे, वीरेंद्र सिंह कर पाएंगे। अरे वीरेंद्र सिंह को नवादा में किसी की आवश्यकता है तो लेकर व्यापारी जाकर दे देगा, उस गरीब है, उस गरीब का काम निपट रहा है। क्या विदेशी कंपनी हमको उधार नहीं देगी? शायद हिंदुस्तान का जो सांस्कृतिक ढांचा है उसको चूर चूर करने का प्रयास मनमोहन सिंह के द्वारा हो रहा है और इसके लिए हमको जन जागरण कर रहा है। हम इसलिए विरोध करते हैं, ये फ्रूट का ठेला, ये केले का ठेला लगाकर मजीद का लड़का, ये कालू भाई मुल्तानी, ये जिस प्रकार से पेड़ खजूर का व्यवसाय करके, ये सेव फल बेच करके, ये कालूगढ़ का परिवार, ये हमारा रतन पटेल, ये जिस प्रकार से व्यवसाय कर रहे हैं, यह व्यवसाय भी एफडीआई के माध्यम से ये नहीं कर पाएंगे। इनको मजदूरी करना होगी, इनको पशु चराना होंगे, ये किसी हमारी हमारी करना होगी, या मकान बनाने में अपनी मजदूरी करना होगी। आज अवस्था, इस अवस्था में पहुंचने के बाद इस कालू मुल्तानी को अपने परिवार को चलाने के लिए किसी न किसी की मजदूरी करना पड़ेगी, और जब ये मजदूरी करेगा तब इसका पेट भराएगा। मित्रों, आने वाली चिंता ये है, निवेदन ये है, भविष्य की चिंता है, भविष्य की चिंता है, भविष्य की चिंता होने के कारण मैंने जो पूर्व में 4 लाइनें कही थी, ये भविष्य की चिंता को लेकर के कहती। मेरा आपसे अनुरोध है, ये ज्वाला, ये जो मशाल धक्की है एफडीआई के विरुद्ध, ये प्रज्वलित हुई है, इसे शांत न होने देना। मित्रों, भगत सिंह ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है, सुभाष चंद्र बोस ने अपने आप को समर्पित किया है, मां भारती के चरणों में लेट करके उन्होंने और मां भारती को आजाद करने का प्रयास किया है। महारानी लक्ष्मीबाई ने उनके साथ में एक वातावरण जोहर किया है। मेरा निवेदन है, हम उन चीजों का पढ़े, इतिहास को देखे, ईस्ट इंडिया कंपनी के तरह देश मगर जिस तरीके से परतंत्र कर लिया, हमारी स्वतंत्रता में यह बाधक बनने जा रहे हैं। मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इस ज्वाला को सतर्क दे, एफडीआई को जो लाइसेंस दिया गया है व्यापार करने के लिए उसे रद्द करे। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम इसी भावना के अनुरूप ज्ञापन देने जा रहे हैं, आपने मेरी बातों को सुना, सराहा, इसलिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में आपका सहयोग बना रहे, एफडीआई के विरुद्ध